हेलो क्लास सेवेंथ, दिस इज़ योर जीके सब्जेक्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 17, 18, 19 विद ऑल टुगेदर. फर्स्ट 17 चैप्टर इज एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल एंड बर्ड विच आर आइदर एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड. चूज योर आंसर फ्रॉम द क्लूज. ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स की बात करें जो या तो लुप्त हो चुके हैं या इंडेंजर्ड हैं. ठीक है, फर्स्ट इज दिस फ्लाइटलेस बर्ड वंस लिव्ड ऑन अ आइलैंड ऑफ मॉरिशस. फ्लाइटलेस का मतलब जो उड़ नहीं सकता है, ऐसा बर्ड है वो आइलैंड मॉरिशस के आइलैंड पे रहता था. इन द 1500 यूरोपियन सेलर्स बिगेन टू हंट द बर्ड एंड बाय 1681 इट बिकम एक्सटिंक्ट. इसका जो यूरोपियन सेलर थे उन्होंने क्या किया था, इसका हंट शिकार करा था और 1681 में ये लुप्त हो गए थे. तो डोडो क्या है, डोडो. फिर सेकंड, दिस एनिमल इज़ अ बियर नेटिव टू साउथ सेंट्रल चाइना. साउथ सेंट्रल चाइना से रिलेटेड है. ड्यू टू द क्लीनिंग ऑफ बैम्बूज फॉरेस्ट, जो बैम्बू बांस के जो जंगल थे उनको क्लीन करते कर रहे थे. लेस देन 2500 मैच्योर एनिमल ऑफ दिस कैटेगरी आर एस्टिमेटेड टू रिमेन इन द वाइल्ड. तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो वहाँ रहने के लिए कैटेगराइज किए गए थे. तो वो क्या है, जेंट पांडा. ठीक है, वंस फाउंड थ्रू आउट इंडिया इट हैज़ नाउ बिकम क्रिटिकली इंडेंजर्ड ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग. शिकार और उनके रहने की जो जगह कम होने की वजह से लुप्त हो गए. दे आर हंटेड अवर बॉडी पार्ट्स दैट आर यूज इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिंस. ये है बॉडी पार्ट्स के लिए इनका शिकार किया जाता था और मेडिसिंस बनाने के लिए. इट इज़ ऑल्सो द नेशनल एनिमल ऑफ बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश. इंडिया का और बांग्लादेश का नेशनल एनिमल कहा जाता था, रॉयल बंगाल टाइगर. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आउल पैरट एंड इट इज़ अ स्पीशीज ऑफ लार्ज फ्लैटलेस नॉक्टर्नल ग्राउंड ट्रैवलिंग पैरट. ठीक है, समझ में आ रहा है कि इसको आउल पैरट और उसकी प्रजाति के नाम से, जो उड़ नहीं सकते थे उनके नाम से जाना जाता था. बाय 1950 द स्पीसीज हैड बिकम विक्टिम ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड प्रीडेटर्स सच एज रैट्स, वीसल्स, कैट्स. तो इनकी अपराधी कही जाती थी रैट्स, वीसल्स, कैट, और इनको मारने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी. तो ऐसी जो थी स्पीशीज उसको तो कहा था कैकोपा. ठीक है, फिर आया, दिस माइग्रेटरी बर्ड इज़ एक्सटिंक्ट ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग बाय मैन. इंसानों ने बहुत ज़्यादा इसका शिकार किया, इसके कारण ये लुप्त हो गई. दे वर फाउंड इन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका इन द वर्ल्ड इन द अर्ली 1800 एंड वर स्लॉटर्ड बाय द मिलियन एवरी ईयर. द लास्ट नोन बर्ड डाइड इन 1940 एट द क्रिकेटी जू इन ओही ओयो. ठीक है, लास्ट जो बर्ड था वो 1914 में ओयो में था. तो इसका था ग्रेट आउक. नाउ नेक्स्ट, सी वर्ल्ड है ना, समुद्र में का संसार. सी मतलब समुद्र, वर्ल्ड मतलब संसार. मैच द नेम्स ऑफ दिस सीज क्रिएचर. अभी समुद्र में रहने वाले प्राणी हैं उनको मैचिंग करानी है. दीज आर ओनली फिश डैट स्विम अपराइट. ऐसी ये केवल फिश हैं और ऊपर की तरफ ही तैरती हैं. सी हॉर्स क्या है, वो सी हॉर्स क्या कहलाएंगे, सी हॉर्स. समझ में आ गया. दिस फिश लिव्स इन द वार्म कोस्टल वाटर ऑफ द अटलांटिक ओशियन. है ना, वार्म गर्म कोस्टल वाटर में रहती है अटलांटिक ओशियन के. ट्रैप इट्स प्रे इन टेंटिकल्स. और ये क्या करती हैं, इनके शिकार को अपने टेंटिकल्स में दबा लेती हैं. वो है इल. क्या है, इल. मैच करवाऊँ, मैंने लिख दी है इसके आगे. दे आर फाउंड इन द रिवर ऑफ साउथ अमेरिका के रिवर में पाए जाते हैं. प्रिनाहा, पिराना फिश होती है ना, पिराना फिश होती है. दिस फिश गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन दे आर अटैक्ड. जब वो हमला करती है तो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है. दिस फिश आर डेडली हंटर्स. इसको कहा जाता है ट्रोपेडो रेज. लॉन्ग स्पाइंस मेक्स दिस फिश ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सॉलो.
मतलब ये जो फिश है इसके ऊपर क्या होते हैं, लंबे लंबे कांटे होते हैं जिससे कि उसको निगलना मुश्किल होता है। सो ये होगी पुफर फिश, ठीक है। फिर दीज फिश अटैक अदर स्मॉल क्रिएचर बाय शूटिंग अ जेट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर माउथ। अपने मुंह से एक फवारा निकालती है पानी का अब दूसरे प्राणियों पर हमला करने के लिए। तो ये फिश कहलाती है आर्कर फिश, बी वाला है ना। एक बोनी फिश विथ मस्कुलर बॉडीज, ठीक है। बोनी फिश विथ मस्कुलर बॉडीज डेट रिजेंबल स्नेक्स। बोनी फिश होती है मस्कुलर बॉडी की तरह और जो स्नेक की तरह दिखाई देती है, वो क्या है आपको क्या नज़र आएगा, वो ऑक्टोपस, ठीक है। ये इस टाइप से नज़र आ रहा है। फिर है दिस फिश हैव देयर माउथ एट द अपर साइड। ऐसे फिश जिनके जो मुंह है ऊपर की तरफ होते हैं और उनके सकर्स होते हैं उनके पैरों के टिप पर, तो वो होती हैं स्टार फिश। क्या होती हैं? स्टार फिश। नाउ नेक्स्ट नेशनल फ्लावर। अब हम बात करें नेशनल फ्लावर्स के, हमारा इंडिया का जो नेशनल फ्लावर है वो क्या है? लोटस। लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। लोटस इन इंडियाज़ नेशनल फ्लावर। सिमिलरली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैड इट्स ओन नेशनल फ्लावर। हर कंट्री का अपना अपना नेशनल फ्लावर होता है। सी दिस फ्लावर, सी द पिक्चर एंड राइट देयर फ्लावर्स नेम एंड देयर कंट्री नेम। सो फर्स्ट इज ट्यूलिप। ट्यूलिप है, ये कौन सी कंट्री है? टर्की, ठीक है। दिस इज ट्यूलिप। सेकेंड इज कॉर्नफ्लोर, दिस इज जर्मनी। कॉर्नफ्लावर है, ये जर्मनी का है। थर्ड इज लिली, डैट इज बिलोंग फ्रॉम फ्रांस। फोर्थ रोज, रोज इज बिलोंग फ्रॉम टर्की। मैपल, मैपल इज बिलोंग फ्रॉम कैनेडा। क्रिस्टानियम इज रिलेटेड टू जापान। थिस्टल स्कॉटलैंड। कार्नेशन स्पेन। शेमरॉक आयरलैंड। ये रहा शेमरॉक, क्या है? शेमरॉक, SHEMROCK, बिलोंग टू आयरलैंड, ठीक है। ये तीनों चैप्टर आपके हो गए हैं क्लास 7, इनको आपको लर्न भी करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।